फॉर्म में, अगर यू डॉट वी की फॉर्म में अपन को इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक क्या होता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन साइन होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और ऑल का इंटीग्रेशन करते हैं। ये फॉर्मूला होता है यू डॉट वी को सॉल्व करने का इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं अपन sec क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसमें अपन जब भी फर्स्ट और सेकंड मानते हैं वो आई लेट के हिसाब से मानते हैं, आई लेट इसमें आई है वो इनवर्स होता है लॉग अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, यहां पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड अपन किसको मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है अपन जानते हैं कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन होता है उसको फर्स्ट मानेंगे क्योंकि फर्स्ट में यहां डिफरेंशिएशन हो रहा है और डिफरेंशिएशन किसका होता है sec x का, और जबकि sec x का x का अपन इंटीग्रेशन जानते हैं इसलिए अपन ने फर्स्ट इसको माना सेकंड इसको माना। अब फॉर्मूले में पुट करने पर फर्स्ट को एज इट इज sec x, सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल का इंटीग्रेशन। नाउ sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन साइन sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x एंड sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। This is the sum. Now, this is as it is. Sec x into tan square x dx. इस कैसे लिख सकते हैं? Now tan square x को कैसे करेंगे? Sec x into sec square x minus 1 dx. ये as it is आएगा. ये भी as it is आएगा. माइनस sec क्यूब एक्स, ये माइनस बार है, माइनस 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 sec x बार का आएगा तो प्लस sec x dx स्क्वायर dx sec क्यूब एक्स dx। ये अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं sec क्यूब dx जो जिसको अपन ने आई माना है, इस आई को इसमें पुट कर देंगे तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, तो इधर ये आ जाएगा 2 है। इसको एज इट इज माइनस सॉरी प्लस sec x dx, इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, इसको लिख लेते हैं sec x इंटू 10x प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec x प्लस 10x। अपन को तो इंटीग्रेशन निकालना है मतलब कि आई निकालना, तो आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 sec x इंटू 10x प्लस 1 बाई 2 log ऑफ sec x प्लस 10x एंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट प्लस, दिस इज द आंसर।